महिलाओं को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी हिम्मत। सवर्णों ने भी थी गरीबों की गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने आरक्षण दलितों को आदिवासियों को देने का निर्णय दिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण यह है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है, और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए, और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी, और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं, तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी हो उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है, अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है, और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था, लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी काटी की टक्कर दे दी है, आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी, हमने आएगी तो आप कैसे आएगी, मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे पार्टी और सपा बसपा एक साथ आए हैं, 3 मिनट, सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के तो दुश्मन थे लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है, अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं नहीं मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए, ठीक बात है, आप कोशिश करो, उत्तर प्रदेश में आप लोग उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई की 4 मंत्री थी, हमारा था, वो हाथी सिंह आपके पास आया है और हाथी मेरी तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखिए आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी मिश्रा जी आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है, और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण ने बवाद का विरोध किया है, और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। आप लोग बीजेपी के साथ मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री देखे।